कल यूपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने देश के प्रमुख विरोधी दलों के नेताओं की एक बैठक आमंत्रित की थी। खुद सोनिया जी ने सभी प्रमुख नेताओं से बातचीत की थी और सबको इस बैठक में शामिल होने का न्योता दिया था। इस बैठक में महाराष्ट्र से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी थे, माननीय शरद पवार साहब थे, ममता जी थी, फारूक अब्दुल्ला साहब थे, सीताराम येचुरी जी थे, राहुल गांधी जी थे, बहुत ही एमिनेंट लोग उसमें शामिल थे। सभी का लगभग एक ही कहना था कि ये जो यूनिटी है अपोजिशन की, जो फ्रंट है, वो बहुत मजबूती से आगे लेकर हमको चलना होगा और यूनिटी रहनी चाहिए। उद्धव जी ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आज हमारे सामने कोई सत्ता का या खुर्ची का मोह नहीं है, किसके सामने दिखता भी नहीं है, लेकिन जब खुर्ची दिखती है तो ये उस वक्त हमारी ये यूनिटी टिकनी चाहिए और लोगों में विश्वास होना चाहिए, विश्वास हम लाना चाहिए कि हम सब लोग हमेशा एक साथ रह सकते और रहेंगे, तभी ये यूनिटी का मतलब है। और भी मुद्दे पर चर्चा हो गई है। देखिए, पेगासस का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, जिस तरह से लोकतंत्र पर हमला हो रहा है वो महत्वपूर्ण है। किसानों का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, ये सभी के ऊपर चर्चा हुई है। और 2024 तक हमको क्या करना है, किस दिशा में आगे जाना है, इस बारे में सभी नेताओं ने चर्चा की। मुझे जो कहना है मैंने कह दिया, कौन क्या बोलता है उसके ऊपर मेरी रिएक्शन नहीं है। बोलिए क्या है सर, क्या कहेंगे तालिबान को, जिस तरह से अभी सवाल ये खड़ा किया जा रहा है, तालिबान अभी बढ़ रहा है, इसके देश से कितना खतरा है? देखिए, तालिबान बढ़ रहा है, तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया है। जिस तरह से अत्याचार हिंसाचार वहाँ के लोगों पर चल रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। तालिबान को समर्थन किसका है? तालिबान को समर्थन चीन और पाकिस्तान का है, जो हिंदुस्तान के सबसे खतरनाक दुश्मन है। और अब अफगानिस्तान की भूमि और तालिबान को हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, ये खतरा तो हमको है। इस माहौल में अगर इस देश तालिबान के समर्थन में कहीं से भी आवाज़ उठती है या गूंज उठती है तो उसे उसी वक्त उस जगह पर ख़त्म कर देना चाहिए। और ये जिम्मेदारी सरकार की है, गृह मंत्रालय की है, प्रधानमंत्री की। यही तालिबान की मानसिकता सूचना की है, ऐसे फडणवीस ने कहा है। कौन क्या बोलता है, कौन क्या करता है, उसके ऊपर शिवसेना नहीं चलती। यही हम लोग हैं जिसने बाबरी का कलंक मिटा दिया, तब ये सब लोग भाग गए। हम यही लोग हैं जो मुंबई में 1992 के दंगे में हिंदुओं की और मुंबई की जनता की रक्षा की थी, ये हम ही लोग हैं। तब ये लोग कहाँ थे? किसी को क्या टिप्पणी करनी है करने दीजिए। तालिबान का अगर यहाँ हमला होता है तो लड़ने वाले हम ही होंगे। सर,